तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और आपका मोबाइल अगर ऑन नहीं हो रहा है, आप पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर रहे हैं, अप बटन प्रेस कर रहे हैं, कोई भी आपको यहाँ पे फील नहीं मिल रहा है, सिर्फ स्क्रीन आपको ब्लैंक देखने मिलेगा, सिर्फ आपको अगर वाइब्रेट फील हो रहा है, तो इस ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। या दोस्तों अगर आपको मोबाइल यहाँ पे ऑफ किया हुआ है और आप अपने मोबाइल को अगर ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को भी दोस्तों इस वीडियो से आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, सबसे पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। होता क्या है कि अगर आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट आ गया और सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं उसमें अगर कोई बग आ जाता है तो उससे आपको ये प्रॉब्लम देखने मिलता है, स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो जाता है। या आपके मोबाइल में कोई सिस्टम लॉन्चर है, उस सिस्टम लॉन्चर में कोई बग आ जाएगा या सिस्टम लॉन्चर को अगर आप अपडेट कर लेते हैं तो उससे भी आपको यह प्रॉब्लम देखने मिलता है। साथ में आपके मोबाइल में अगर बैटरी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई बग आ जाता है या बैटरी एप्लीकेशन को अगर अपडेट करते हैं तो उससे भी आपको यह प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो यह प्रॉब्लम काफी सारे हो सकते हैं कि एप्लीकेशन को आप अपडेट करें, उस एप्लीकेशन में कोई ऐसा इशू आता है जो आपके डिवाइस में सही तरीके से सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके चलते ये ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि ब्लैक स्क्रीन के प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो पावर बटन है, वॉल्यूम डाउन बटन है, अप बटन यहां पर वर्क नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर एक टिप अपनाना है। तो आपको जो पावर बटन देखने मिल रहा है, इस पावर बटन को दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको यहां पर प्रेस करके रखना है। आपको क्या करना है, कम से कम 30 सेकंड तक आपको प्रेस करके रखना है, और प्रेस करके जैसे आप यहां पर रखिएगा, रखने के बाद आपको मोबाइल ऑटोमेटिक दोस्तों यहां पे रिसेट होना चालू हो जाएगा। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे जैसे दोस्तों वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद आप जैसे मोबाइल को छोड़िएगा तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको मोबाइल ऑटोमेटिक यहां पे ऑन होना चालू हो गया है, ना आपको यहां पे रिसेट का ऑप्शन मिला है, ना आप यहां पे देखिएगा आपको यहां पे कोई भी ऑप्शन देखने मिला, डायरेक्ट आपका मोबाइल यहां पे क्या हो गया, रिसेट हो गया है। ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने मिलता है और ये सभी डिवाइस में दोस्तों यहां पे वर्क करता है। फिलहाल मैं आपको यहां पे ऑन करके दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पे प्रेस किया और आपको 15 से 30 सेकंड आपको प्रेस करना है, वाइब्रेट करेगा, बस आप छोड़ दीजिएगा तो आपको मोबाइल यहां पे ऑन हो जाएगा। तो आप यहां पे फिलहाल देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहां पे ऑन हो चुका है। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं कि अगर आपका मोबाइल यहां पे ऑफ किया हुआ है और ऑफ करने के दौरान दोस्तों आप अपने मोबाइल को अगर ऑन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या टिप्स अपनाना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने मोबाइल को यहां पर ऑफ कर लिया, ऑफ करने के बाद आप जैसे पावर बटन प्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर रहे हैं, अप बटन प्रेस कर रहे हैं, उससे अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, जो पावर बटन आपको मिल रहा है, ये पावर बटन और ऊपर का जो वॉल्यूम अप बटन देखने मिल रहा है, इसको दोस्तों आपको एक साथ यहां पे प्रेस करके रखना है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे दोस्तों आप यहां पे थोड़ी देर यहां पे प्रेस करके रखिएगा, वाइब्रेट होगा और वाइब्रेट होने के बाद आपको ऑटोमेटिक यहां पे छोड़ देना है। और दोस्तों जैसे आप यहां पे छोड़िएगा, छोड़ने के बाद आप यहां पे देखिए ऊपर में आपको रिबूट का ऑप्शन देखने मिलेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम जो डाउन बटन है और अप बटन है, इस प्रकार से आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन मिल रहा है, रिबूट वाला ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहां पर पावर बटन मिलेगा, पावर बटन को प्रेस करना, पावर बटन को प्रेस कीजिएगा, देन रिबूट सिस्टम वाला ऑप्शन मिलेगा, फिर से आपको क्या करना है, पावर बटन को प्रेस कर देना। पावर बटन को जैसे प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने के बाद आपको मोबाइल यहां पे ऑन हो जाएगा। देन जैसे आपको मोबाइल यहां पे ऑन हो जाता है उसके बाद आपको अपना सिस्टम लॉन्चर को एक बार चेक कर लेना है, कोई अपडेट अगर आपने किया है तो सिस्टम लॉन्चर को आप अनइंस्टॉल अपडेट कर ले, बैटरी को आप चेक कर ले, या जो भी एप्लीकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम मिल रहा है, क्रैश का प्रॉब्लम मिल रहा है, उस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद यह प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहां पर ऑन हो रहा है, और इस प्रकार से आप यहां पर अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। और जो भी आपके मोबाइल में ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था उसको दोस्तों आप 100% फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।